ये मम्मी ने ऑर्डर किया है। हाँ मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। अलीजा के साथ अब जैसे से बड़ी हो रही है ना, उसके साथ साथ काम करना, ब्लॉगिंग करना, काफी काफी टाइम भी हो जाता है। आप लोगों को पता है मुझे ब्लॉगिंग करने में पता ही नहीं चला। छह महीने मतलब उससे मैंने ड्यूटी जॉइन करी, 6 महीने छुट्टी तो मिली उसके लिए अलीजा की वजह से। मिली तो अलीजा के लिए छुट्टी है तुम्हें, लेकिन उसमें रुखसार ने बस एक ही बात बार बार बोली है कि 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब रुखसार को नहीं, अब हमें पता चलेगा। अलीजू क्या क्या गोलू मुलू का हो गया? तो ठीक है मैं यहाँ पे था। ये मम्मी ने कोई पार्सल मंगाया, मम्मी से पूछते क्या है। मम्मी बताओ डिकोर का सामान है। देखो तो कुछ डिकोर का सामान है, मतलब इतना मम्मी को ये भी नहीं पता कि मंगाया है क्या। सोच रहे हो तो आइडिया तो होगा। देखो वो तो नहीं भाई, मम्मी रजवाड़ी है मेरी। डियर ऑन अ पर्सनल नोट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर स्मॉल एंड बैड बिजनेस। तुम्हारे लिए अम्मी है। तो ये है मेरी ट्रॉफी। अच्छा लग रहा है, नाइस। चलो बंद करो। मम्मी ने अमेज़न से मंगाया, कहाँ से मंगाया? मैं मीशो से मंगाती हूँ। मुझे इनबॉक्स में दे दूंगा। गोल्ड मेडल लाई हो? अच्छा चलो आओगे इंशाल्लाह आएगा। दिन गोल्ड मेडल लाओगे ना दादा की छाती चौड़ी हो जाएगी। गाइस हम लोग अभी नाइट वॉक करके आए हैं, मतलब चले गए थे तुफाकन। मतलब मुझे हमारे का डायपर लेकर आना था, तो रुखसार कह रहे मेरे को भी घुमा लो चलकर। तो हम लोग गए तो हमारे का डायपर लेने थे, लेकिन हम लोग साथ में ये सब भी उठा के लेकर आ गए। नीट की चीज़ें गर्ल्स के अंदर की जरा सी वो जो सेल वाली दुकान दिख जाए तो उसमें घुसने की आदत होती है। ये लेकर आए हम छह बोटल सेट। और एक्चुअली हमारे घर पे गेस्ट आया कोई, तो सुबह के लिए नाश्ते के लिए मैं सोचा कुछ ले लेता हूँ। तो पापे मट्ठी और ये कुछ गाइस आप लोग कहोगे ये कटोरे दिखा रहे थे क्या? मुझे ना कटोरे बहुत पसंद है, मुझे कटोरा बहुत अच्छा लगा तो मैं इसका लेके आ गई। और ये वाला मुझे पसंद आया था। हालांकि मुझे ये येलो कलर बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन उसके पास जो बाउल था सिर्फ येलो कलर नहीं, एक और था रेड कलर का भी था, मुझे पसंद नहीं है। और इसके अलावा मुझे पसंद आया था ये एक ट्रे, चटनी की ट्रे लगा, ये बहुत पसंद आई थी ट्रे। इसमें फाइव यहाँ पे रखेंगे चटनी, यहाँ पे लगाएंगे अपने मोमोज। मम्मी आ गई। मम्मी हम क्या लाए? हाँ ब्रश चुप आ रही हो। एक ये लेके आई हूँ, रुक जाओ ये बाद में। ये लेके आई बाउल बहुत सुंदर है, और ये मैं लेके आई हूँ छन्नी, और एक ये लेके आई हूँ जूना, और ये जो लेके आई हूँ मेन चीज ये किस लिए फेस बना रखा आपने? हाँ सुबह से शाम तक दादा खर्चा कराते रहते हो, फिर कह रही हो कि मेरे लिए क्या लाए हो? सही है हमारा, आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन जल्दी बोली क्या? क्या क्या गंदी लड़की। ये मेरी ये है दूध छानने का, अलीजा का दूध छानेगा इससे, सिर्फ अलीजा का दूध नहीं, सिर्फ मेरा दूध। क्यूट से सो रहा है ना, कितना प्यार से सो रहा है। बाय बाय, गुड नाइट एस्टन। द नेक्स्ट डे, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो वी ऑल आर गुड, होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे से हो गए। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, कहाँ जाने के लिए? घूमी घूमी के लिए, क्योंकि मैं पापा और मम्मी के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए बाहर। तो आज एक्चुअली रुखसार का मन था कि वो बाहर जाए मेरे साथ घूमने के लिए, क्योंकि कल से उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो बिज़ी हो जाएगी, उसकी लाइफ उसकी स्केड्यूल जो हो जाएगा, सुबह ड्यूटी, शाम ड्यूटी, रात ड्यूटी, बस यही चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज चलो लेके चलते हैं, घुमा के लाता हूँ रुखसार को। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं आर्कियोलॉजी पार्क, जो कि है कुतुब मीनार के पास। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैंने बताया आपको, रुखसार ने ही मतलब बताया था कि वहाँ उसका 2-3 जगह डिसाइड करी थी, तो हमने आज जो है आर्कियोलॉजी पार्क जाने का डिसाइड किया है। तो मम्मी है नहीं, पापा सो रहे हैं, मम्मी गई हुई हैं कहीं पर अमायरा को लेके। तो 6:30 पर आई थिंक देखा था मैंने गूगल पे मैप पर, तो वो 6:30 पर ना क्लोज हो जाता है। तो अभी जो बज रहे हैं 3:30, तो 3 घंटे का टाइम हमारे पास, यहाँ से निकलते हैं। पैकिंग वगैरह हो गई है, रुखसार ने ये वाली दूध की बोतल जो शेक हम लोगों ने पिया था मम्मी के बर्थडे पे जहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ से बोतल उठा लाई थी रुखसार का। देख ले
बेटू का देख ले हाँ ऑफ कोर्स वहां थोड़ा ना आपको ओवन मिलेगा या कहाँ गर्म करोगी इसमें ऐसे ही रख दो गर्म हो जाएगा टूटेगा तो नहीं नहीं कांच है A few minutes later. इसको हमेशा ना गाड़ी के अंदर बैठते इसको इतना मजा आता है इसको नजारे देखने में ये देखो हर जगह नजर फैला लेगी अपने मजा आ रहा है लीजू को मजा आ रहा है तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और गली में तो यार हमारी इतनी बुरी हाल है ना क्या बताऊँ मैं कि ट्रैफिक इतना लोग लगा देते हैं एक्चुअली हमारी गली में ना काफी फैक्ट्रीज है जिसके चक्कर में ना टेम्पो रिक्शा वगैरह बहुत खड़े होते हैं आके फाइनली पहुंचने वाले हैं हम ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी साइड दिख जाएगा आपको ये री कल से मैं इसी में हमदर्द में रोज आया करूंगी तो चलो ठीक है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हमें पता भी नहीं एग्जैक्ट वो जगह कैसी है और क्या है तो लेट्स सी बस ये दिमाग ना खराब करे ये रोने बहुत ज्यादा लगती है ना पॉटी अलग कर लिया अलीजा ने वो लेके बैठी है रुखसार इसीलिए अलीजा अलीजा तो एक काम करो ना पीछे चली जाओ चेंज कर दो उसको भाई कुछ कहना चाहोगे कैसे लग रहा है कट गया एक्चुअल में बात ये है कि हम लोग निकले तो टाइम निकलना तो हमें टाइम से था बट वो लेट हो गया लेट होने की वजह से अभी हमने देखा रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि वहाँ पे पहुँचना पॉसिबल ही नहीं था और जब तक हम पहुँचते वो बंद हो जाता तो फिर ने बोला कि चलो मैं तुम्हें हमदर्दी घुमा देता हूँ उसके बाद लेट सी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं और एज वो हमारे साथ है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि मुझे जाना क्योंकि ये पैपे पैपे करके रोने लग जाती है तो अभी कुछ नहीं हम कह सकते लेकिन अलीजा के साथ है ना वाओ यार हम उतरेंगे क्या उतर जाना क्या प्रॉब्लम है तुम रैंडमली आए हुए थे लेकिन यहाँ पे आए थे कोई फेस्ट की तैयारी चल रही है यहाँ पे भी गिम्बल वगैरह रखा हुआ है और इधर भी रखा हुआ है तो आई थिंक शायद मैच वगैरह यहाँ नॉर्मली होते रहते हैं तो उसकी तैयारी या कोई फेस्ट वगैरह हो रहा होगा यही था रीजन और घूमो यार बच्चों को ले जाना सच में पॉसिबल नहीं है कहीं ये देखो अलीजा ने क्या किया अलीजा क्या कर दिया रुखसारी तुम पे हंस रही है अलीजा तुम पे हंस रही है हाँ देखो क्या हो रहा है रुखसार कह रही है अभी तो हम लोग कहीं पहुंच भी नहीं ये हाल हो गया हमारा वही तो A few minutes later. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है फर्स्ट वाला लास्ट डे वाली बात करो ना फिर सही में जाएगा हाँ क्या 450 450 बता रहे हैं मेरे पास कुछ है आपके लिए दिखाओ और था जाने के लिए और पहुंच कहीं और गए थे बहुत सारी शॉपिंग की है एक्चुअल में हमने शॉपिंग करी है अब आप लोगों को पता है कि परसों से जो है रमजान शुरू हो रहा है सो आप सब लोगों को सबसे पहले हमारी पूरी फैमिली की तरफ से रमजान की एडवांस रमजान की आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद अब सेट लिया है सारी शॉपिंग इस चीज पे किया हम देख रहे थे कालीन अपने इधर के लिए बिछाने के लिए बट मिली नहीं सिंपल सी है क्या हम ना दो ले लेते हैं 12 एक सेट ओ ले तो मतलब ये है कि आज जो मेरा दिन था ना वो मोस्टली ये था कि मेरी कल से ना ब्यूटी शुरू होने वाली है और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए ना तो हैबिट खत्म हो गई वाली जॉब के आना जाना ना exactly. तो लेट्स सी आई होप कि मेरा दिन पहला अच्छा हो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा जाए और माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा महीना आने वाला है हमारे रमजान का महीना बहुत मुबारक वाला दिन तो उसकी भी शॉपिंग हमने रैंडमली कर ली है आगे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है अब तो बस रमजान में बस इबादत करनी है रमजान की पहली शॉपिंग शुरू कर दी है सही कह रहे हैं शुरू किया
अभी इनकी ड्यूटी शुरू होने वाली है तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और बस आप लोगों को दुआएं चाहिए कि हम रमजान खास तौर से मैं रह पाऊँ, लेकिन मुझे दो दो को संभालना है, गर्मी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, चार की ड्यूटी शुरू। और आए दिन दिन के दिन ये जिस बड़ी हो रही है वैसी शरारती हो रही है, शरारती माशाल्लाह से पहला रमजान है मेरी एलिजा का, सामान लगता है, है तो जाहिर सी बात है फहीम पहले दिन तो मुझे छोड़ने जाएंगे जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और तो कल क्या पता मतलब कल क्या पता नहीं कल तो चांद रात है ही, हाँ जी, तो हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, दो दिन का हो रहा है कि कोई कह रहा 10 नहीं आज सऊदी में होगा, क्योंकि हमने जो हमारे पास कैलेंडर आया ना छोड़ भूल गई तो उसमें 11 से दिया हुआ है, 11 से है शहरी 11 से और 12 से रमजान से। देखो सऊदी में अगर कल होगी ना पहला रोजा तो फिर हमारे यहाँ परसों होगा, ज्यादातर सबको यही है कहना कि रमजान अगर सऊदी में शुरू हो गया एक दिन पहले जो भी चीज होता है उसी हिसाब से, मतलब अगर अगर सऊदी में अगर आज होना होगा यार, देखो मेरा ये मानना है कि रमजान चाहे कल से शुरू हो ये चाहे परसों शुरू हो, नियत हमने कर ली है, नियत मेन चीज होती है, कर ली हम लोगों ने, और अभी सवैया खजूर और भी बहुत सारी, मतलब एक अलग वाइब आती है ना जो रमजान वाली जो वाइब आती है, अच्छा खजूर ला चुके हैं, खजूर भी लाया हूँ और तुम्हारा इनका मम्मी का और अपना और साहिमा का कहाँ गया, तुम्हारा इनका अपना सब लोगों के लिए ऑर्डर 20 कुरान के लिए देके आया हूँ, क्या बात है, सब लोग अपने अपने हाथ से मदरसे में जिसको आप समझो कि कोई गरीब है उसको अपना अपना देते रहो, वो तो हम मदरसे भी देते हैं, मस्जिद में दो, जितने लोग पढ़ेंगे उतना हमें सवाब मिलेगा, कुछ जो नहीं खरीद सकते उनको बिल्कुल। मैं जो सामान लेके आई हूँ ना वो दिखाती हूँ, आई होप कि मम्मी खा सकते हैं, ये मम्मी बहुत काम की चीज है, मम्मी बहुत अच्छी लगी थी, ये किचन की है, अब बताओ मम्मी क्या होगा, बताओ नहीं कंटेनर बोल रही हूँ, कंटेनर ये है डिस्पोजल, ये सही है ना, बहुत अच्छा है ये ना, बहुत इसमें लिक्विड भर लो या फिर सोप रख लो और ऐसे ऐसे करके इसमें साइड में पंप करते हो, बताना पड़ेगा तो पानी बंद, अब वो डब्बे हटा देंगे वो, इसलिए क्या है मैं समझा नहीं इसको, कोई बर्तन होने वाला है आप इसमें ना वो डाल दो, जो लिक्विड लाए हो ना वो पानी मिला के इसमें डाल दो और उसको ऐसे पैक कर दो, और जब आपको लेना हो ना तो इसमें इसे प्रेस करो और तो इसमें आ जाएगा फॉर्म में, फिर बर्तन धो लो फिर ऐसे रख दो, मतलब वेस्ट नहीं होगा इससे बच जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्यूट था ना, सबसे पहले मैंने ये लिया, ये मेरा फ्रेंड के लिए गाड़ी के लिए, नहीं ये मैंने पापा के लिए लिया है, अपने लिए नहीं लिया था, पापा के लिए लिया, स्कूटी के लिए, बहुत अच्छी टॉवल है कितने की है, पापा सस्ती है, ये समझ लो कि पापा अगर आप धुलवाओगे भी नहीं ना इससे कपड़ा मार दोगे तो पॉलिश की तरह शाइनिंग आएगी कपड़ा, अच्छा मम्मी दो बेडशीट ली है आपको जो पसंद है वो ले लो, पहले तो तुम देख लो कि मुझे पसंद हो वो दूंगी, ये हमारी है, अब मजाक कर रहा हूँ यार, जो सही लगे ले लो, हमारा ने बोल दिया तो हमारा वो वाली हो गई, ये एक रुखसार की है, ये देखो अब तुम इसमें से देख लो कौन सी लेनी है तुम्हें, मम्मी को तो ये तो आएगी नहीं, एक ये है, अच्छा मम्मी बताएंगे रुखसार की कौन सी है और आपकी कौन सी है, लो जो चाहिए वो ले लो, कोई भी ले लो, हम मम्मी का तो सेम ही आ जाता है, कुछ भी पहन के चले जाओ, हाँ मुझे पता था मम्मी तुम्हें वही पसंद आएगी, पहले पहन के दिखाओ साइज तो आ रहा है ना, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, अरे अभी मैं हमारे के लिए भी ऐसे देख रहा था इसी साइज में, लेकिन फिर उल्टा वापस आ गया, क्या करूँ, चलो ठीक है बढ़िया होगा ना, ये भी वाला ही वाली चप्पल, नहीं अभी कुछ रह रहा है, अभी कुछ रह रहा है, मेन चीज ठीक है, फिश हमारी कुछ फिशेज भी लेकर आया हूँ मैं, हमारी एक्चुअल में फिशेज जो है ना काफी जो है कम हो गई फिशेज, जिसके चक्कर में हमने सोचा कि यार
अच्छा लगता है, फिशेज रहती हैं तो थोड़ा एक अच्छी वाइब आती है घर के अंदर। कि इनके अंदर मैंने इसलिए इसको डाल रखा है, काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो इसके साथ मिक्स हो जाए, ताकि जब मैं इसके अंदर वो पानी डाल दूँ ना तो फिशेज को कुछ हो ना, सो दैट्स वाई। बाकी इसमें बहुत प्यारी प्यारी से कलर की फिशेज़ हैं, देख सकते हो आप, वाइट है, ब्लैक है, गोल्डन है, ठीक है। तो होप कि आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, यही था मेरा आज का ब्लॉग। अरे तुम्हें पसंद आई ना, बस मेन चीज। चलो ठीक है, ऑल राइट। अरे 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 ऑल राइट। तो आज था हमारा ये प्यारा सा सिंपल सा ब्लॉग, और होप आप सब लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल रुखसार का फर्स्ट डे, उसका भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और